क्या आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है, सीने में दर्द होता है, बुखार जैसा हमेशा ही लगने लगता है, लिम्फ नोड्स जो होती है उसमें भी आपको लग रहा है कि गांठें जो होती है शरीर के ऊपर आपको बड़ी हुई नजर आ रही है, हमेशा थकान जो रहती है वो महसूस करते हैं, साथ साथ हेयर लॉस भी हो रहा है, माउथ में हमेशा अल्सर्स आते हैं, इसके साथ साथ आपकी बॉडी पर एक विशिष्ट तरीके की रैश जो भी जो कि ज्यादातर कि फेस के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ऐसे अगर सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि ये SLE हो। अब SLE क्या है देखते हैं, आज का ये इस वीडियो का जो टॉपिक है यही इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा और आज हमारे चैनल डॉक्टर तात्विक होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। SLE सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाइटिस, जिसे लोग ल्यूपस के नाम से भी जाने जाते हैं, एक ऑटोइम्यून बीमारी है। हमारी अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता प्रणाली जो होती है वो अपनी ही हेल्दी सेल्स को मारने लगती है, जिस वजह से इसके जो लक्षण होते हैं वो हमें दिखाई देने पड़ते हैं। इसकी दो स्टेजेस होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो उसे फ्लेयर्स कहते हैं, और जब लक्षण नहीं होते हैं तो उसे रेमिशन फेज जो है वो कहा जाता है। अब ये जो लक्षण मैंने आपको बताए वो बहुत सारे आपको लगा होगा कि ये तो वायरल इन्फेक्शन जैसे ही लक्षण है। जी हाँ दोस्तों, लक्षण इसके वायरल इन्फेक्शन से ही होते हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन अपने आप 3-4 दिनों में ठीक हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन लेके दवाइयाँ लेने के बाद ये ठीक हो जाता है। लेकिन SLE में ये जो भी सिम्टम से ये बार बार होते हैं या फिर लंबे समय तक बने रहते हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं, जिससे पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, किसी तज्ञ डॉक्टर से आप मिलते हैं, तो वो आपकी पूरी जानकारी लेते हैं और आपके कुछ सवाल पूछते हैं, लक्षण कब से हैं इनके बारे में पूरी मालूमात करते हैं, जिसके साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट ANA CBC LFT ESR जैसी ब्लड टेस्ट करके इस जो बीमारी है इसकी पुष्टि होती है। अगर ऑनसेट की बात करें तो उम्र के 14 साल से लेकर 45 साल तक ये बीमारी किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। इस बीमारी का ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी लंबा रहता है, मतलब एक्यूट या बाकी की बीमारियों की तरह ये कुछ दिन महीने रह के नहीं खत्म होती है, ये बहुत लंबे समय तक पेशेंट के साथ रहती है। इसके कारणों की तरफ अब देख मुड़ते हैं। वैसे देखे जाए तो स्पेसिफिक ऐसे कोई कारण नहीं है, लेकिन अनुमान जरूर है कि जैसे अनुवांशिकता, अगर घर में फैमिली हिस्ट्री है तो हो सकते हैं, कुछ पर्यावरणीय पूर्व जैसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर्स में रहना, केमिकल एक्सपोजर होना या बहुत ही ज़्यादा गंदे एटमॉस्फियर में रहना, ये हो सकता है। महिलाओं में इसका प्रमाण थोड़ा ज़्यादा देखा गया है, अगर जुड़वा बच्चों में से किसी एक को है तो दूसरे को होने के भी चांसेस उसमें होते हो सकते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या फीमेल सेक्स हार्मोन अगर ज़्यादा है, या ऐसी जगह पे आप रहते हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत कम आती है, इस तरीके की अगर कुछ कारण है तो ये होने की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं या किसी किसी भी प्रकार का अगर नशा करते हैं तो उनमें भी इसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी पहले से ही इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, लो रही है, या ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी कुछ तो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसकी वो डिजीज़ की वजह से उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो पहले ही लो हो जाती है, तो ऐसे मरीजों में भी इसके प्रमाण इसकी शक्यता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस बीमारी की। दोस्तों अब चलते हैं कुछ ऐसे कारणों की खोज में जिसकी वजह से SLE हो सकती है। ओके, अब कुछ ऐसे अनुसंधान हुए हैं जिसमें ये पाया गया है कि SLE होने के कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान लंबे समय से किसी भावनात्मक संघर्ष से जूझ रहा है, या हाल फिलहाल में ही कोई ऐसी घटना उसके जीवन में हुई है जिसका उसके भावनिक तौर पे उसके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, तो ये हो सकता है कि उस शरीर की उस इंसान की प्रतिक्रिया इस बीमारी के रूप में आए। अब इसे और थोड़े सरलता से समझते हैं कि ये ऐसी कौन सी घटनाएं हैं कि जिसमें ये आपको दिखाई दे सकती है। जिसमें हम पहले देखते हैं कि आत्मसम्मान या स्वयं की पहचान को लेकर अगर किसी के जीवन में संघर्ष चल रहा है तो ये कारण हो सकता है। सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ, अगर इस तरीके की कोई हानि, इस तरीके की इस बात को लेकर अगर कोई संघर्ष किसी के जीवन में चल रहा है, कोई अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खो रहा है या अपनी खुद की वैल्यू जो है वो नहीं कर पा रहा है, या लोग उसकी वैल्यू नहीं दे नहीं रहे, ये उसको बहुत ज़्यादा खल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना सेल्फ वर्थ जो होता है वो खो रहा है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो रहा है, ये उसका भावनात्मक संघर्ष जो है वो इस बीमारी को का लीड जो है वो बन सकता है। दूसरा आता है इसमें हमला या विश्वासघात, मतलब ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें उसे लग रहा हो कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, अटैक होने वाला है,
तो उसका एक संघर्ष, उसका मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसी की तरह अगर कोई विश्वासघात उसका करता है तो ये बहुत डीप इम्पैक्ट उसके ऊपर कर सकता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। या तीसरा ये हो सकता है किसी प्रियजन की हानि या अलगाव, जैसे किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति का, माँ हो गई, पेरेंट्स में से किसी को कोई हो गया जो बहुत आपके दिल के करीब है, उसकी मृत्यु होना या उसका छोड़ के जाना उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी हो सकता है। या सेपरेशन होना, जैसे कि अगर कपल में सेपरेशन होता है, पति पत्नी में अगर सेपरेशन होता है, तो इसका भी असर उन दोनों पे या उनके बच्चों पे हो सकता है, जो इसके लिए कारणीभूत हो सकता है। इस तरीके की जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हमारे ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज को स्टिमुलेट करता है, जिसके स्वरूप में हमें हमारे शरीर में जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये अनुसंधान तो ये भी कहते हैं कि ऐसे लिए कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये एक लक्षणों का समूह है, जो जो भावनात्मक संघर्ष से वो इंसान गुजर रहा है इसको बाहर दिखाने की एक जैविक प्रक्रिया है। अब हमें जो है उपचार को इस लक्षणों के ऊपर नहीं केंद्रित करना है, तो इसके जो कारण है इसके ऊपर भी काम करना है, तो उपचार उसी तरीके से होने चाहिए। अब इसके जो ट्रेडिशनल वे है इसके उपचार करने में, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इम्यूनो सप्रेशंस दिए जाते हैं, या बहुत सारी जो एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है इस दौरान, तो इन मेडिसिन से बहुत अच्छी तरीके से जो लक्षण है वो तो पूरी तरीके से पेशेंट्स में निकल जाते हैं। पेशेंट को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, क्योंकि वो रैशेज, बदन दर्द, दुखना, दर्द सब उनका चला जाता है। लेकिन कुछ समय होने के बाद ये होता है, ये लक्षण फिर से वापस आते हैं या कोई और रूप लेके आने हमारे सामने आते हैं। इसीलिए क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं ये लक्षणों के ऊपर तो काम करती है, लेकिन जो भावनात्मक संघर्ष से इंसान गुजरा है उसके ऊपर उसका केंद्र नहीं होता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं होता है। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो ऐसे ही कारणों के ऊपर अभ्यास करके ही उनको दी जाती है। आइए देखते हैं अब होम्योपैथी इसमें आपकी कैसी मदद कर सकती है। होम्योपैथी एक होलिस्टिक सिस्टम है, एक प्रूवन साइंस है, जिस इस पैथी में हम हर इंसान को दूसरे इंसान से अलग समझते हैं। इसीलिए हर इंसान की दवाई जो होती है वो अलग होती है। इसीलिए जब भी आप तज्ञ होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं या हमारे पास आते हैं, तो आपकी पूरी जानकारी ली जाती है, लक्षणों के बारे में डिटेल में पूछा जाता है। जब लक्षण शुरू हुए उसके पहले कोई भावनात्मक संघर्ष, कोई घटना, कोई हादसा आपके साथ हुआ है क्या, इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपथेटिक वे से आपको पूछा जाता है। उस समय आपने क्या फील किया, आपने क्या रिएक्ट किया, ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है। वही फीलिंग, वही रिएक्शन आप आज भी फील करते हैं क्या, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा पिछले कभी पास में और भी कोई बीमारियां होके गई है क्या, और आपकी फैमिली में ऐसे और कोई किसी को हिस्ट्री है क्या, और आपके स्वभाव के बारे में भी अलग अलग पहलुओं में आपको सवाल किए जाते हैं। और इसके बाद ये पूरी जानकारी लेने के बाद आपके लिए एक सिमिलिमम मेडिसिन निकाली जाती है, जिसे होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं, और ये मेडिसिन विशिष्ट मात्राओं में पेशेंट्स को दी जाती है। जब ये मेडिसिन शुरू होती है कुछ दिनों में ही पेशेंट्स को अपने बहुत सारे सिम्टम्स में रिलीफ देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको रिलीफ मिलने के लिए कभी कभी कुछ महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे दवाइयाँ लेते हैं वैसे जैसे वैसे वैसे ही जनरल्स इंप्रूव होने लगते हैं, जैसे कि अच्छे से भूख लगना, पेट अच्छे से साफ होना, नींद अच्छे से आना। इसके अलावा थोड़ा पेशेंट मेंटली भी रिलैक्स होने लगता है, शांत महसूस करने लगता है, फ्रेश महसूस करने लगता है। इन इम्प्रूवमेंट के साथ धीरे धीरे पेशेंट इस अवस्था से कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से बाहर आ सकता है। अगर इस बीमारी की वजह से उसे एंजाइटी या डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा निराशा भी लगती है, तो इन लक्षणों में भी होम्योपैथी मेडिसिन बहुत कारगर होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।